आलू और पत्ता गोभी यानि कैबेज का सब्जी बनाते हैं बहुत आसान तरीक़े से चार से पाँच आलू को उबाल लेंगे आधा पत्ता गोभी को काट लेंगे दो प्याज को काट लेंगे मसाला रेडी करते हैं इसके लिए एक मिक्सी जार में आधा चम्मच जीरा चार से पाँच लहसुन की कलियाँ एक इंच अदरक का टुकड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक टमाटर काट कर डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे अब इन सब मसालों को अच्छे से पीस लेते हैं जब ये पिसा जाएगा तब तो हम लोग कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पे उसके बाद उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे उसके बाद जो हम लोग पत्ता गोभी काट लिए थे उसे हम लोग डालकर फ्राई करेंगे दो मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करें उसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाएगा और ये बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है हेल्थ की दृष्टि से भी ये पत्ता गोभी खाना बहुत लाभदायक होता है ये देखिए सारा पत्ता गोभी को निकालने के बाद जो बचे हुआ तेल था उसी में बस आलू को थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि वो देखने में थोड़ा सा बादामी रंग का हो जाए तब तक हम लोग फ्राई करेंगे ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अब हम लोग इसे भी निकाल लेते हैं फिर से कढ़ाई में तीन चम्मच के लगभग तेल डालेंगे उसके गर्म हो जाने पर आधा चम्मच जीरा डालकर चटकाएंगे जीरा जब चटक जाएगा तो तेज़पत्ता डाल देंगे तेज़पत्ता डालने के बाद दो कटा प्याज हम लोग डालकर उसे फ्राई करेंगे प्याज का कलर चेंज हो जाए वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसका कच्चापन निकल जाएगा तब तक हम लोग उसे फ्राई करेंगे उसके बाद जो मसाला हम लोग पीस लिए थे उसे डालकर भूनेंगे तीन से चार मिनट तक प्याज के साथ हम लोग मसाला को भूनेंगे देखिए इस तरह से मसाला भुनाएगा तो वो उसका कच्चापन भी निकल जाएगा वो मसाला भी रेडी हो जाएगा तेल छोड़ने लगा है कढ़ाई में देख सकते हैं अब हम लोग स्वादानुसार नमक डालेंगे नमक डालकर कुछ देर तक चलाएं, उसके बाद जो हम लोग फ्राई किए हुए थे पत्ता गोभी और आलू उन डालकर चलाते हुए हम लोग दो से तीन मिनट तक फिर से भुनेंगे ताकि सब्जी में मसाला पूरी तरीके से मिल जाए ये बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है आप लोग इस विधि से एक बार ट्राई करके देखें बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए अब हम लोग पानी डाल देते हैं पानी यहाँ मैंने आधा गिलास के लगभग डाला है जिसे डालकर पूरा अच्छे से चला लेंगे चलाने के बाद ढक्कन ढककर हम लोग दस मिनट तक इसे पका लेंगे आप चाहे तो पाँच से छः मिनट भी पका लेंगे तभी वो पक जाएगा ये देखिए सब्जी पूरा तरीके से पक गया है अब इसमें हम लोग गरम मसाला डाल लेते हैं गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे उसके बाद ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा आप अपने मनपसंद डिश के साथ इसे सर्व करेंगे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और हेल्थ की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है थैंक्स फॉर वॉचिंग